जापान से आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब पूरे वर्ल्ड से आपके पास पेशेंट्स आते हैं और इतना सारा लव आपको देते हैं। तो पेशेंट को क्या परेशानी थी, क्यों ओमान से और कहीं नहीं गए और अहमदाबाद चूज किया जो फर्स्ट टाइम इधर आए, और उनका पूरा सर्जरी के बाद का एक्सपीरियंस क्या था वो आपको बताएंगे सर प्लीज। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं गायनोकोमास्टर से जूझ रहा था लेकिन कभी इतना साहस नहीं हो रहा था किसी को कॉन्टेक्ट करने के लिए या फिर कोई डॉक्टर के पास जाने के लिए। लेकिन डॉक्टर अर्थशाह की वीडियो देखा, मैं वीडियो में मुझे इतना कंफर्टेबल लगा कि बहुत सारा मैं वीडियो देख रहा था पहले से, बहुत डॉक्टर का वीडियो देख रहा था, लेकिन अर्थशाह जी का जो मैं वीडियो देखा उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन लगा कि नहीं, ये डॉक्टर भी एक मेरे को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं मेरे, क्योंकि कोई ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं तो सेटिस्फेक्शन मेन चीज़ होता है, और वही चीज़ मेरे को सर जी से लगा, इसलिए मैं इधर आया हूँ अहमदाबाद रेजू अस्थली का। एंड ये जो गायनोकोमास्ट होता है, एक्चुअली ये कोई किसी को शर्म से बोल नहीं पाता है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप जरूर थोड़ा करेज दिखा के सर से कंटेक्ट करिए, और ये लाइफ में एक ही बार बस करेज दिखा दीजिए, बाद में आपका लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मैं वही लाइफ से जूझ रहा था। इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप थोड़ा डॉक्टर सर से कंटेक्ट कर दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आप ओमान से आए, हमको मौका दिया अपने ट्रीटमेंट करने का, और हमने 30-40 मिनट में प्रोसीजर पूरी की, 4 घंटे में पेशेंट घर पे, कोई फॉलोअप नहीं, कोई ड्रेसिंग नहीं, कोई पट्टी नहीं करनी, कोई टांके नहीं तोड़ने, कोई ड्रेन नहीं, एंड परफेक्ट शेप में आधे घंटे में आप भी आपका प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप ट्रैवलिंग को कंसिडर मत कीजिए, जहाँ पे अच्छा हो रहा है वहाँ पे कीजिए, और आपको जितने जितने फ्रेंड्स हैं जिसको ये तकलीफ है तो ये चैनल सब्सक्राइब करके उनको भी वीडियो आप भेजिए, तो जो ये भी तकलीफ से जूझ रहे हैं उनको भी ये हेल्प हो पाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।